दोस्तों यहाँ पे देखिए गिलहरी है ना हमारे मास्टर केज में ट्रैप हो चुकी है और ये जा भी नहीं पा रही यार कहीं। ये देखिए यार गेट में यार लेकिन जाली नहीं लगी यार। देखिए यहाँ तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ना सेफ्टी कर दी हमारे पेड़ों की। देखिए पूरे है ना पेड़ मैंने सेफ कर दिए इससे यार, क्योंकि हमारे जैसे ही पिजन बाहर आते थे ना इनको खाना शुरू कर देते थे और हमारे प्लांट है ना ग्रो नहीं कर पा रहे थे। फिर तो जल्दी से करते हैं अभी हमारे पिजन को खोलते हैं और देखते हैं यहाँ जा पाते हैं या नहीं। देखिए आया दाना डालना ना, मुझे लग रहा है यहाँ चले जाएंगे फिर भी ना, है ना दाना डालना। ये देखिए यहाँ पे है ना जल्दी से दाना यहाँ पहले डाला हुआ है वो खा रहा है सुबह का। तो अभी शाम का वक्त यार मैं सोच रहा हूँ यार कल है ईद है तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार इसकी सफाई हम कल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि और आज मौसम भी देखिए यार सुबह है ना बारिश हुई मतलब रात में बारिश हुई थी आज बारिश नहीं हुई है। ये अच्छी बात है हमारे लिए जिससे यार हम इसकी सफाई कर सकते हैं तो ये अच्छा मौका है हमारे पास पूरी सफाई करने का इसके अच्छे से क्योंकि यार कल तो ईद है कल हम सफाई नहीं कर पाएंगे। तो आज शाम तक जितने भी बच जाए हमें इसकी फुल सफाई करना है और एक काम और करना है जो कि हमें रहता है वो कि जो कि है यार हमारा पिजन हाउस का गेट वो पिजन हाउस को बोलना है यार मास्टर केज का गेट जो कि हमें पेंट करना है और उसके बाद जाली भी लगाना है यार। ये भी काम हमें आज ही करना है यार। और यहाँ पे अपने पिजन को लगा डाल दिया है अब है ना इसका ढक्कन लगा दो अच्छे कस के क्योंकि पानी आ सकता है तो जल्दी जल्दी से हमें साफ काम करना पड़ेगा। तो हमने जाली तो काट ली है देखिए यहाँ पे वो रखी जाली तो यहाँ पे जाली हमने काट ली है यहाँ पे और हमारे पिजन को भी दाना डाल दिया है हमने। ये बाहर क्यों नहीं आ रहा था निकालना बाहर जल्दी जाके अंदर से। यहाँ पे हमारे पिजन देखिए माशाल्लाह अच्छे से दाना खा रहा है और मौसम यार अभी है ना हो रहा है पानी जैसा लेकिन मुझे नहीं लगता यार गिरेगा पानी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे अभी। तो यहाँ पे कल ईद है इसलिए सफाई हमें आज ही करना पड़ेगी इसको भी निकाल देना। हाँ और दोस्तों आपने है ना इसके बारे में बताया नहीं यार हमारे मुखी के और इसके बच्चों के बारे में यार तो आप ज़रूर बताइएगा यार आज कि हमें इसके बच्चों को है ना एक्सचेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। तो यहाँ पर अभी दाना वाना इन्हें खाने देते हैं और यहाँ पानी भर लाना दूसरा क्योंकि यार गंदा होगा यार पानी भर देते हैं और इन्हें ये दाना खाने के बाद हम तुरंत अंदर करके जाएंगे यार नहीं तो है ना ये हमारे प्लांट्स को खाना फिर से शुरू कर देंगे। और ये देखिए यार मोटा कबूतर हमारा दाना खाने नहीं आ रहा यार पता नहीं क्या होगा यार इसे। तो यहाँ पे अभी है ना इसे देखिए कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे क्योंकि बारिश से है ना कीचड़ टाइप की मच गई है। तो पूरा है ना हमें सफाई करना है पानी की मदद से सबकी मदद से क्योंकि कल ईद है यार तो इन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा हमें भी अच्छा नहीं लगेगा यार कल सफाई भी नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार सफाई करने के बाद ही है ना रेगजीन शीट चढ़ाएंगे। तो अगर इसकी सफाई कर देंगे हम अगर कल बारिश भी आ गई तो फिर कुछ दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आराम से पानी निकल जाएगा और ऐसी कीचड़ तो नहीं होगी। और उसके बाद अगर कल पानी नहीं गिरा तो कल या परसों कल तो ईद है यार परसों के दिन है ना हम क्या करेंगे यहाँ पे रेगजीन शीट भी चढ़ा देंगे यार यहाँ पे पूरे में रेगजीन शीट चढ़ा देंगे। हम पूछ के तो आ चुके हैं रेगजीन शीट की लेकिन लेके मैं इसलिए नहीं आ पाया यार क्योंकि मेरे पैसे रख के नहीं ले गया था और अब फिर जाना नहीं हो रहा। तो हम सोच रहे हैं यार अब कल छोड़ के परसों चढ़ाएंगे तो अभी सफाई ज़रूर कर देंगे हम। देखिए पूरा है ना पूरी सफाई कर देंगे गंदगी भी काफ़ी हो रही है खानों के अंदर की भी सफाई कर देंगे धो देंगे या कुछ भी कर देंगे लेकिन आज कितनी रात हो जाए पूरी सफाई करके रखना है यार। यहाँ पर हमने दाना माना डाल दिया है दाना खा भी लिया है इनने तो अब मैं करता हूँ इन्हें अंदर कर देता हूँ यार अभी तो यहाँ पे दाना डाल के अंदर होंगे ऐसे तो होंगे नहीं यार ये आपको पता होगा। ये देखिए और फिर हमें ना आके इन्हें उड़ा देंगे यार तब हमें सफाई करेंगे ना अभी जब खोल देंगे अभी पहले हम चलते हैं यार जाली लगाने और पेंट करेंगे। अरे आ आ आ आ चलो चलो अभी इन्हें एक बार और खोलूँगा यार मैं इसलिए जल्दी बंद कर रहा हूँ। चलो 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 देखिए ये बच्चा बाहर आने लगा यार कबूतर के साथ ये हमारा कैप्टन बाहर है। चलो चलो अंदर चलो चलो कैप्टन अंदर हाँ चलो चलो अंदर अंदर चलो अंदर 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 ये देखिए कैप्टन है जल्दी जल्दी अंदर चला जाता है हमारे और पिजन इतनी जल्दी अंदर नहीं जाते हैं जितनी जल्दी कैप्टन चला जाता है यार। ये देखिए पानी भी रख दिया है चलो अभी तो हम फ्री हो चुके हैं यहाँ से दाना डाल दिया है हमने अगर बाई चांस ज़्यादा रात हो गई तो दाना की कोई टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ पर ढक्कन को लगा देते हैं अब जल्दी चलते हैं यार गेट को पेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए गिलहरी है ना हमारे मास्टर केज में ट्रैप हो चुकी है और ये जा भी नहीं पा रही यार कहीं। ये देखिए यार गेट में यार लेकिन जाली नहीं लगी यार। देखिए यहाँ पे दाने यार देखिए गिलहरी ये यहाँ पे मास्टर केज में ओ अरे यार यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है गिलहरी को देखिए सोच रही यार कहाँ से निकलूं मैं दाने चक्कर में चली हुई होगी। ये देखिए काट लेती यार मैंने सुना है ऐसा इतने करीब से गिलहरी को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह यार ये बस हमारे जाली को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे लेकिन ऊपर तो हमने लोहे की जाली लगा रखी है। यहाँ से निकलो 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 अरे बाहर निकल जाओ यहाँ से हाँ बस ये देखिए किस तरह से भागी यार वो यहाँ पे आए हमारे छत पे गिलहरी आती रहती है तो यहाँ पे है ना चली गई होगी अंदर धोखे से अगर यहाँ पे जाली होती बाई चांस तो ये मास्टर केज के अंदर रह जाती फिर नहीं निकल पाती यार। ये देखिए पूरा पैक है क्योंकि हमारा मास्टर केज तो ईद पे एक सरप्राइज़ भी है तो कल की वीडियो भी ज़रूर देखना वो आपको है ना कल ही पता चलेगा यार सरप्राइज़ ये होगा कि है ना हम जंगली कबूतर के बच्चे दिखाएंगे यार आपको तो कल की वीडियो देख लेना। आज मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बच्चा अभी भी नहीं निकला यार मैं आपको मुंह से बोल दे रहा हूँ शायद कल तक निकल जाए हम भी देखेंगे यार अभी पता नहीं है। तो जल्दी इसके करते हैं यार इसको पहले देखिए जो गंदी गंदी जगह है इसकी सबको पेंट कर देते हैं और फिर है ना जाली चढ़ाते हैं इसके ऊपर।
दोस्तों हमने कलर तो कर दिया यहाँ पे, देखिए पूरे गेट पे यहाँ पे कलर भी हो चुका है माशाल्लाह अच्छे से, और हमारे हाथ भी काफ़ी मुश्किल से धुले हैं यार, हमने है ना पूरे हाथ कर लिए थे और वो छूट नहीं रहे थे यार वो वाले, मतलब हमने तेल रहता है ना इसके तेल से भी नहीं सूख रहे थे, छूट रहे थे यार। और यहाँ पे देखिए हमने पूरे पहना कलर कर दिया, यहाँ पे जो बेल्डिंग के निशान थे उन पर भी कर दिया है, अब ये है ना मजबूत हो चुकी है, लेकिन अभी हम जाली इस पर नहीं कर सकते यार। और अभी है ना लगभग पूरा है ना शाम हो चुकी है, देखिए दिन पूरा ढल चुका है, ये देखिए अब सूरज मुरज कुछ नहीं रहा है और हमने इस पर भी कलर कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ यार इस पर हम जाली तो लगा देंगे, लेकिन सूखने के बाद हम इसमें है ना 9 या 10 बजे लगाएंगे जाली, तो अभी तो ये रखी जाली अभी नहीं लगा सकते यार, क्योंकि यार पूरा ये गीला है कलर तो पूरा ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर मुर्गा मुर्गियों को भी बंद कर दिया है हमारे, और बतख को भी बंद कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा दाना डाल दें, दाना खा लेंगे, सुबह से खोल रखा था ना अपने, फिर भी थोड़ा डाल दें इनका पेट भर जाएगा खाली होगा तो, नहीं तो रहने दे यार ऊपर चलते हैं ना, दिन भर खुली थी ना ये तो, हाँ बस तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम, हाँ चूजे को डाल दिया ना, तो यहाँ पे देखिए हम नट और बासर लाए ले आए हैं यहाँ पे, तो अब है ना हम क्या करेंगे रात में कस लेंगे ना 9-10 बजे, 10 बजे कस लेंगे हाँ। तो अभी चलते हैं यार ऊपर और कबूतरों को दाना डाल देते हैं यार अच्छे से, आ चुके हैं आप क्या करते हैं वहाँ पे जैसे खोल देते हैं यार। और आप सोच रहा होंगे यार भाई अब साफ भी नहीं कर रहे हैं, तो यार मैं आपको बता देता हूँ यार अभी लाइट नहीं है यार, तो लाइट है जब भी जैसे भी आएगी ना हम साफ कर लेंगे, तो साफ ज़रूर कर लेंगे यार, क्योंकि वीडियो हम नहीं देख सकते क्योंकि अब रात होने वाली है, और वीडियो क्वालिटी देखिए कितनी ख़राब होने लगी है, आपको भी मज़ा नहीं आएगा यार रात में देखने में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार अभी आपको बता दूँ मैं क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे है ना आपको कल हमारा पूरा पिजन हाउस साफ दिखेगा यार, अगर रात में लाइट आ जाती है तो हम ज़रूर इसको साफ़ करेंगे यार, पहला काम तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि यार अभी बारिश तो नहीं हो रही मुझे लगता है, देखिए ऐसा मौसम तो नहीं लग रहा है, तो हमें ना क्या कर लेंगे अगर रात को लाइट आ जाती है तो पाइप लगा के ये वाला पाइप रखा है इससे पूरे पिजन हाउस को साफ़ कर देंगे। और आपको कल है ना नेट भी लगी हुई दिखेगी यार पूरे, मास्टर केज के गेट पर भी नेट लगा लेंगे यार, जितनी लगती है आपको सब कुछ बता देंगे यार, क्योंकि मास्टर केज को हमें आज कंप्लीट करना है पूरा, तो ये काम हम कर ही लेंगे, लेकिन अभी तो रात होने वाली है, इनको सबसे पहले दाना डाल देते हैं, और पानी तो रख ही दिया दानिश ने, तो पानी वानी तो रहने देते हैं, तो जल्दी से दाना और डाल देता हूँ उन्हें। आया आ आ, और जब हम सफाई करेंगे यार हमारे कबूतरों को हमें बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं तो फिर पूरे गीले हो जाएंगे यार, इनके लिए मसला हो सकता है फिर खुद से। हाँ यार देखिए माशाल्लाह धीरे धीरे खा रहा है, लेकिन ना सेम इसकी तरह है, हाँ सेम टू सेम उसकी तरह है, लेकिन आँख तो उसकी पीली है ना, वो धीरे धीरे करेगा अभी छोटा है ना, हाँ सेम टू सेम रखा टू कॉफी उसकी है बिल्कुल यार, ये देखिए लेकिन इसका एक पर बिल्कुल सेम है ना वो भी मैं सोच रहा था एक पर ज़्यादा काला है इसका, लेकिन इसका भी सेम टू सेम है यार, हाँ यहाँ पे अभी तो है ना इन्हें चलो यहाँ पे दाना डालने देते हैं अभी तो या तो दाना माना खा लेंगे आराम से, ये देखिए कितनी शाम हो चुकी है यार पूरा है ना दिन गायब होने वाला है, अभी लाइट नहीं तो हमें ना ये धो देते और आपको बता देते यार, लेकिन वीडियो क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा वीडियो देखने में। यहाँ पे जाली रखी है तो जाली भी हम लगा देंगे, हमने एंगल को जो हमारा ये था ना स्टैंड इसको भी हमने पेंट कर लिया है, और हमारे पेड़ों ने है ना बारिश की वजह से अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर दी है यहाँ पे, और हमने ये वाले पेड़ों के लिए तो लगा दिया सेफ्टी, तो अब ये खा माएंगे नहीं इन्हें, क्योंकि यार परेशान कर रहे थे बार बार है ना, उन्हें उखाड़ देते हमारे पेड़ों को जो हम लगा रहे थे, फिर मज़ा नहीं आता यार, हमने इतनी मेहनत से मिट्टी डाली और ये बनाइए क्या बता नहीं सकते आपको, देखिए फिर जाने लगे हैं अभी भी मान नहीं रहे हैं, चलो यहाँ पे बिल्कुल मत जाना आप। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।